तो जैसे कि मेरी हाइट 5 फुट 5 इंच है, मैं इस बाइक के ऊपर मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ कि अगर आपकी हाइट अगर मिनिमम 5 फुट 5 इंच होती है तो आप कैसे इसको आप हैंडल कर सकते हो, तो आपको हैंडलिंग में कैसा हो सकता है। तो मैं जस्ट इसके ऊपर बैठता हूँ तो आप देख रहे हो कि मेरा ग्राउंड क्लियरेंस में जो मेरा प्रेजेंस हो रहा है वो काफ़ी मिनिमल है। तो मेरा खाली फ्रंट का फीट अब टच हो रहा है बट बैक का अपना एडी नहीं टच हो रहा है, जिसकी वजह से आप नॉर्मली चला सकते हो। वैसे बैलेंसिंग में कुछ इश्यू नहीं है एंड काफ़ी कंफर्टेबल है। इसका सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छा है जो इजीली दब रहा है। तो अगर आपकी हाइट मिनिमम आपको 5 फिट 5 इंच चाहिए, सो हेलो गाइस, आज हमारे पास आप जैसे देख रहे हो कि सुजुकी ब्रांड 155 cc का हमारे पास जिक्सर का फुली फेयर्ड बाइक है हमारे पास, जो नेकेड बाइक से उसी का सेम इंजन यूज़ किया हुआ है। बट ये आपको इसमें आपको फेयर्ड यहाँ पे मिल जाता है, ये काफ़ी अच्छा मोटो जीपी एडिशन में आपको वो सुजुकी का आपका ब्लू एडिशन में जैसे मिलता है नॉर्मली, वो वैसे आपको इसमें मिल जाएगा। इस वीडियो में देखते हैं इसके क्या फीचर्स है, इसके क्या ऑन रोड प्राइस है। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रंट में आपको एक ऐसा विंडशील्ड मिल जाता है जो ये एडजस्टेबल विंडशील्ड है। अगर आप इसकी जगह पे आपको दूसरा कोई विंडशील्ड लगाना है तो आप इजीली इसमें लगा चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप किसी को डार्क ब्लू चाहिए रहता है या वाइट चाहिए रहता है या ब्राउन चाहिए रहता है, आप इसको बड़ा भी कर सकते हो, मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। एंड इधर आपको सेमी एडजस्टेबल आपको दोनों मिरर्स मिल जाते हैं, जो आप इसको टॉप में भी ऐसा एडजस्ट कर सकते हो और यहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये इजीली एडजस्ट हो जाता है। तो ये आपका अगर हाईवेज़ पे अगर आप फास्ट करते हो तो आपको विंड ब्लास्ट इससे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए विंडशील्ड काफ़ी यूज़फुल होता है दोस्तों। उसके नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे एलईडी में सारा इलेक्ट्रिकल जिसमें देखने मिल जाता है आपको, ये हेडलैम्प में आपको एलईडी इसमें देखने मिलता है। उसके नीचे आपको DRLs मिल जाता है साइड में एंड आपको यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट में जो सिग्नल टर्न्स है आपको दोनों बल्ब में मिल जाता है दोस्तों। फिर नीचे आते हैं तो इसके मडगार्ड में आपको ये चेक किया जाता है, ये प्लास्टिक फाइबर का ही मडगार्ड है दोस्तों एंड आपको इसमें नीचे सुजुकी का स्टिकरिंग इसमें देखने मिल जाता है। लेफ्ट साइड में अगर आते हो तो यहाँ पे आपको फेयरिंग के ऊपर आपको ऊपर के फेयरिंग में आपको जिक्सर SF का लिखा हुआ आपको स्टिकरिंग मिल जाता है। उसके नीचे आपको ये बहुत बड़ा सा आपका ग्राफिक देखने मिल जाता है जो यहाँ से लेके यहाँ तक सीट तक आपका फुली कवर हो जाता है। उसके नीचे आते तो आपको यहाँ पर डबल टोन में आपको फाइबर में है ये भी एंड ये भी आपको फाइबर में मिल जाता है। ये आपको पूरा जो भी फेयरिंग है यहाँ पे फुली फेयर्ड फाइबर में ही मिल जाता है एंड इसमें आपको एक ब्लैक ग्लॉसी फिनिश में आपको देखने मिलता है ना, ऊपर आपको ये ब्लू में देखने मिल जाता है। और अगर उसके पीछे आते हैं तो आपको ये भले ही स्पोर्ट्स बाइक है दोस्तों बट इंडियन राइडिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से सैडी गार्ड देना ज़रूरी है। चेन कवर आपको सिर्फ टॉप में मिलेगा और नीचे से ये ओपन होने वाला है। इस बाइक की खास बात है जो अगर आप जैसे कि स्पोर्ट्स बाइक वगैरह खरीदते हो जो थोड़ा RS 100 टाइप है या ऐसा है जिसमें आपको स्टैंड आपको डुअल स्टैंड आपको देखने नहीं मिलता है, जो मिडिल स्टैंड है वो देखने नहीं मिलता है, सिर्फ आपको साइड स्टैंड देखने मिलता है, बट इस बाइक में आपको दोनों ही स्टैंड देखने इजीली मिल जाता है दोस्तों। रेयर में आपको ये आपका मडगार्ड ऊपर से देखने मिल जाता है, उसके नीचे आपको हगड़ लगा हुआ भी देखने मिल जाता है एंड आपको फ्रंट में भी हगड़ देखने मिल जाता है। ये दोनों ही स्प्लिट हगड़ है एंड वो वाला हगड़ आपको वो मोनो सस्पेंशन को वो प्रोटेक्ट करते हुए नजर आएगा, जो आपको डस्ट मड जो अपना अगर बारिश में या पानी है वो आपको उसमें जाने से अवॉइड करेगा। सो टेल पोजीशन में आ जाते हैं कि आपको जो टेल पर आपका बैक लैंप मिलने वाला है वो कम्प्लीटली LED में इसमें देखने मिलता है। लेफ्ट एंड राइट का सिग्नल आपको दोनों जो है आपको उसमें बल्ब देखने मिल जाता है एंड नीचे आपको इसमें रिफ्लेक्टर मिलेगा एंड यहाँ पे नंबर प्लेट का ऑप्शन मिलता है, उसके ऊपर जस्ट आपको एक लाइट भी इसमें देखने मिल जाता है। आप देख सकते हो कि मेरे हाथ में ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आपका नंबर प्लेट को यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने के लिए एक लाइट लगा हुआ है LED का। सो आपको राइट प्रोफाइल में आपको यहाँ पे दिखना मिल जाता है कि दोनों साइड से आपका हगड़ को प्रोटेक्शन मिलता है, यहाँ से भी एंड उस साइड से, तो ये काफ़ी मजबूत हो जाता है। एंड इधर आपको पिलियन राइडर के लिए आपको फुटरेस्ट काफ़ी मजबूत सा है, एक अलॉय में स्टील में आपको देखने मिल जाता है। कि आगे भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है एंड आपको पीछे भी डिस्क ब्रेक मिल जाता है, इसका मतलब इस बाइक में आपको डुअल डिस्क मिलने वाला है, बट इसमें आपको सिर्फ सामने ही सिंगल चैनल ABS का ही ऑप्शन इसमें देखने मिलेगा। एंड राइट साइड में आपको ये देख रहे हो तो काफ़ी ब्यूटीफुल सा आपको ये एग्जॉस्ट मिलने वाला है, जो ट्विन बैरल में मफलर के साथ इसमें स्टील फिनिश क्रोम फिनिश में आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है एंड सेम आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश में आपको उसका कवर भी देखने मिल जाता है, जो पिलियन राइडर को सेफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राइट साइड में आप देखा जाए तो यहाँ पे आपको ब्रेकिंग का आपको लीवर मिल जाएगा एंड आपको यहाँ पे फुटरेस्ट मिल जाता है राइडर के लिए, वो काफ़ी आप देखा जाए तो एक राइडर का एक ट्राइंगल बनता है, जो आप ऐसा हो कि आपको ट्राइंगल बनता है, तो ये काफ़ी स्पोर्टी लुक में आ जाता है जो भी कोई इस बाइक को राइड करता है। एंड नीचे आ जाते हैं तो इंजन प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे इंजन काउल लगाया हुआ है, बट ये मेटालिक नहीं है दोस्तों, ये फाइबर में है, फिर भी इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना काफ़ी हो जाता है ताकि। सो ऊपर आते हैं तो आपको राइट साइड में भी सेम आपको जिक्सर का SF का ग्राफिक देखने मिल जाता है स्टिकरिंग किया हुआ है एंड टैंक के ऊपर आपको मिल जाता है सुजुकी का 3D एम्ब्लेम लगा हुआ है।
सो दोस्तों बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। इसका इंजन आपको मिल जाता है 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है एंड इसकी डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाती है 155 cc की एंड इसका मैक्सिमम पावर आपको जनरेट होकर मिलता है 13.6 PS एट द रेट 8000 RPM एंड आपको टॉर्क इसमें मिल जाता है 13.8 Nm एट द रेट 6000 RPM एंड आपको देखा जाए तो इंजन को एकदम कम्प्लीटली यहाँ पे प्रोटेक्टिव चीज़ें जैसे मिलते हैं, जो फेयरिंग भी यूज़ हो गया है एंड साथ में इंजन भी प्रोटेक्ट हो चुका है जो डस्ट उससे मड से प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से आपका पेंट वगैरह ख़राब हो सकता है लॉन्ग रन में, बट इस फेयरिंग की वजह से इंजन काफ़ी सेफली पोजिशन है। इसमें आपको 5 गियरबॉक्स देखने मिल जाता है एंड 6 गियरबॉक्स आपको 250 cc सेगमेंट में, जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे उसमें आपको उसके बारे में हम बता देंगे। इसमें आपको सिर्फ 5 स्पीड गियरबॉक्स देखने मिल जाता है एंड ये आपको सिटी राइड में आपको कम से कम माइलेज आपको 45-50 का माइलेज दे देगी इस इंजन की कैपेसिटी के साथ। अगर आप हाईवे राइड करते हो तो इसको अबव 50+ आपको माइलेज मिल जाएगा दोस्तों। सो आते हैं दोस्तों हमारे सेफ्टी एंड कंफर्ट फीचर के बारे में बात करते हैं, तो उसमें ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। यहाँ आप देखते हो कि आपको डिस्क ब्रेक आपको मिल जाता है जिसके अंदर आपको सिंगल चैनल ABS आपको फ्रंट में मिल जाता है एंड रेयर में आपको डुअल डिस्क का ऑप्शन मिल जाता है। पीछे के ब्रेक में भी आपको डिस्क लगा हुआ है एंड इसमें फाइबर का आपने सुजुकी ने यूज़ किया है जो काफ़ी बेस्ट होता है ब्रेकिंग के लिए एंड ये लॉन्ग रन के लिए काफ़ी अच्छा है एंड मिनिमम आप आज की रिक्वायरमेंट CBS होती है, बट इसमें आपको सिंगल चैनल ABS इसमें आपको देखने मिल जाता है दोस्तों। तो रेयर में देखा जाए तो सुजुकी ने इसमें आपको डिस्क ब्रेक ही दिया हुआ है, तो इसमें आपको ABS नहीं मिलने वाला है। तो ये भी डुअल डिस्क रहना भी एक बाइक में काफ़ी सेफ्टी फीचर के लिए अच्छा होता है, जो आपको ब्रेकिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होने वाला है। सो और कंफर्ट फीचर के लिए आप देखा जाए तो आपको इसमें टेलीस्कोपिक चैनल आपको देखने मिल जाता है, जो इसका काफ़ी वाइडन आपका कम से कम 40 mm का आपको विड्थ के साथ आपको देखने मिल जाता है। तो आपको ये सेफ्टी फीचर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, कंफर्ट में लॉन्ग राइड्स भी अगर आप इसमें करते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता है एंड थोड़ा सा ये स्टिफ रहेगा स्टार्टिंग में, बट ये थोड़े दिनों के बाद यूज़ के बाद आपने कम हो जाता है एंड रेयर में भी वैसे ही आपको काफ़ी अच्छा सस्पेंशन देखने मिल जाता है जिसमें स्विंग ऑन स्प्रिंग यूज़ किया गया है एंड सिंगल सस्पेंशन है वो काफ़ी बीच में लगा हुआ है, जिसकी वजह से आपका जो जितना भी बम्प्स वगैरह रोड पे है वो इजीली अब्सॉर्ब कर सकता है एंड ये भी कंफर्ट राइड के लिए अगर आप लॉन्ग रन के लिए यूज़ करते हो तो काफ़ी बेहतर सस्पेंशन होने वाला है। अब सीट देखा जाए तो राइडर के लिए तो काफ़ी बेस्ट है एंड इसका कुशनिंग भी काफ़ी अच्छा है एंड आपको स्प्लिट सीट में इसमें देखने मिलता है एंड यहाँ पे जो कर्व आता है तो बैक को इजीली आप बेंड करके रख सकते हो एंड आपको पिलियन राइड आपके ऊपर थोड़ा सा लीन हो जाता है, जैसे कि 35 या 40 डिग्री आपके सामने लीन हो जाता है पिलियन राइडर। तो पिलियन राइडर अगर आपकी लेडीज़ होती है तो दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बीच में हम्प है, अगर वन साइड कोई बैठता है तो ये सीट इतना एनफ नहीं होता है, थोड़ा सा सीट एक छोटा सा पड़ता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं इसके टैंक की कैपेसिटी के ऊपर, तो टैंक आपको मिल जाता है 12 लीटर्स का टैंक एंड ये आपका कंसीडरिंग सिटी माइलेज अगर 45 देता है तो आपका देखा जाए तो कम से कम 450 किलोमीटर का आपको एक फुल टैंक आपको राइड इसमें एक्सपीरियंस करने मिल जाएगा दोस्तों। सो फ्रेंड्स इसका डिजिटल कंसोल देखते हैं, जैसे कि आप गाड़ी स्विच ऑन कर सकते हैं तो कैसे दिखने वाला है। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक कम्प्लीट स्विंग आपको देखने मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे नीचे अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखते हो तो आपको एक गियर पोजीशन देखने मिलता है, जो काफ़ी अच्छा है ये इसमें फीचर ऐड हुआ है, क्योंकि अगर आप राइडिंग कर रहे हो तो आपको शायद पता नहीं होता कि आप कौन से गियर में, तो अगर आप इसमें गियर का पोजीशन आपको मालूम पड़ जाता है इसीलिए तो काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको ऊपर टैकोमीटर देखने मिल जाता है जो RPM इंडिकेट करता है, राइट साइड में आपको फ्यूल गेज देखने मिल जाता है, या आपको यहाँ पर स्पीडोमीटर देखने मिल जाता है एंड नीचे आपको ट्रिप मीटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको टाइम देखने मिलता है और यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम देखने मिल जाता है, यहाँ पे ABS का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। तो अगर आप और कुछ इसमें फीचर्स एक्स्ट्रा देखना चाहते हैं तो इसमें मैं यहाँ पे इजीली लेफ्ट साइड में प्रेस करके देखो तो इसमें 2 ट्रिप आपको देखने मिल जाता है, ट्रिप ए एंड ट्रिप बी। उसके बाद आपको बैटरी वोल्टेज आपको देखने मिल जाता है एंड आपको टोटल ओडोमीटर का काउंट इसमें किलोमीटर से वो देखने के लिए मिल जाता है। डिजिटल कंसोल में आपको इतना सारा डिटेलिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, बट एक सो बढ़ते हैं इसके हैंडल के इंस्ट्रूमेंट में हमें क्या क्या देखने मिल जाता है। यहाँ पे फ्रंट में येलो कलर में आपको पास फ्लाइट देखने मिल जाता है, यहाँ पे हाई बीम लो बीम आपको देखने मिल जाता है एंड लेफ्ट टर्न एंड राइट टर्न आपको सिग्नल भी इसमें इजिली देखने एंड एक हॉर्न आपको देखने मिलता है। चेक करके देखते हैं हॉर्न इसका कैसा है, तो हॉर्न काफ़ी अच्छा सा है, मीडियम सा है, ज़्यादा लाउड नहीं है। बढ़ते हैं राइट साइड हैंडल प्रोफाइल में क्या देखने मिलता है, तो यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच कट ऑफ मिलता है यहाँ पे एंड यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने मिल जाता है। तो राइट साइड में आपको इससे ज़्यादा ऑप्शन इसमें देखने नहीं मिलता है। सो अगर दोस्तों अगर मैंने इसमें से कोई चीज़ इसमें मिस किया है तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो आखिर इस बाइक का आपको कम्प्लीटली वेट आपको मिल जाता है 148 kgs का एंड इसका सीट हाइट आपको सीट टू ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है 795 mm का एंड अगर आप इसका ग्राउंड क्लियरेंस आप देखा जाए तो 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने मिल जाता है, जो इंडियन राइडिंग रोड कंडीशंस के लिए काफ़ी
एनाफ है एंड आपको अच्छा एक्सपीरियंस इसमें मिलेगा। आते हैं इसके टायर के साइज़ के ऊपर, तो ये टायर आपको यहाँ पे रेडियल टायर्स मिलता है, फ्रंट एंड बैक दोनों में रेडियल टायर्स है। एंड इसका साइज़ आपको 100x80 17 इंच एलॉय व्हील के ऊपर आपको ट्यूबलेस टायर देखने मिल जाता है। देखते हैं इसके रेयर टायर में आपको क्या मिलता है। रेयर टायर में भी आपको MRF का टायर इसमें देखने मिल जाता है एंड इसका साइज़ है 140x60 का 17 इंच अलॉय व्हील के ऊपर, ये भी रेडियल टायर ही है एंड ट्यूबलेस टायर इसमें मिल जाता है। तो दोस्तों आगे पीछे दोनों ही रेडियल टायर होने का मतलब है आपका राइडिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होने वाला है एंड इसमें आप कहीं भी स्लिप कॉर्नरिंग करते हो तो आपको स्लिप होने से ईजिली आप बच सकते हो। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट पे। सो दोस्तों हमने इस बाइक के सारे फीचर्स हमने कवर कर लिए हैं एंड काफ़ी डिटेल में हमने इसका रिव्यू कर लिया है। आते हैं हमारे फाइनल सेगमेंट में एंड फाइनल सेगमेंट में आपको बताने वाले कि इसको प्राइस आपको क्या होने वाली है। ऑन रोड प्राइस आपके मुंबई में 1,61,000 में आपको पड़ जाएगी मुंबई में एंड अगर आपको इसको EMI ऑप्शन फाइनेंस ऑप्शन लेना है तो आप इसको 35-40,000 भर के आप ये गाड़ी अपने घर पर लेके जा सकते हो। अगर आपको कुछ भी इंक्वायरी करना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस शोरूम का आपको एड्रेस दे दूंगा एंड मैं करंटली SP सुजुकी में हूँ, इस गाड़ी का मैंने इसका रिव्यू दे रहा हूँ एंड आपको इसका नंबर आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस के साथ में आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड आपको ऑन स्क्रीन पे भी आपको दिख जाएगा। तो कोई भी इंक्वायरीज हो या आपको टेस्ट राइड लेना है तो आप इजीली आप यहाँ इनको विजिट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रेंड, ये हमारा रिव्यू वाला वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।